हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हेलो माय डियर, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी लोग इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जय कर हर हर महादेव, हर हर। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए हैं से व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक फेस्टिव सीजन। इसमें व्हाट इज इकोनॉमिक फेस्टिव सीजन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं फेस्टिव से क्या। अब अक्टूबर नवंबर में फेस्टिव सीजन है। अभी दशहरा बीता, दीपावली, चेल्लू, दीपावली, दशहरा, विजया क्रिसमस डे, इस तरह सब त्यौहार में। और कहते हैं अक्टूबर नवंबर महीने में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं, तो यानी हम कहते हैं अक्टूबर नवंबर में फेस्टिव सीजन कहलाते हैं। अब इसका इकोनॉमिक फिट क्या है। फेस्टिव सीजन में गुड सर्विस की डिमांड, फेस्टिव सीजन में लोग जितने हैप्पी हो के इंजॉय करेंगे और फेस्टिवल मनाएंगे, इससे संबंधित गुड सर्विस की मार्केट में डिमांड और सप्लाई भी बढ़ेगी। और जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी तो फिर मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फिर वही इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, कंजप्शन एक्सपेंशन बढ़ेगा, कंजप्शन इसमें बढ़ेगा, सेविंग उससे बढ़ेगा, सेविंग उससे बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कह सकते इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंशन, सेविंग में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंशन, सेविंग। ओके मैम, तो हम कह सकते हैं, फेस्टिव सीजन का इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा। ओके मैम, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक फेस्टिव सीजन। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, मैं उसके जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विषय है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देना चाहूँ ठीक है ना, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी लगते हैं मेरे अकाउंट में जरूर। और मेरा वीडियो आपके लिए, आपने सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शटर में तुलना, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज मगर। ओके मैम, कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत या इसी तरह भी से हम फिक्स भी से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एडवांस के हर हर महादेव, हर हर। आज बड़ा वफात है तो सभी मुस्लिम बंधुओं को बराफात की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी बराफात टू यू एंड योर फैमिली एंड आप सभी मुस्लिम बंधुओं को बराफात की, आपको आपके परिवार को मेरे परिवार को विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी बराफात टू यू एंड योर फैमिली एंड हर हर महादेव।